अस्सलामु अलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं शुएब इफ्तिखार चैनल और आज हम जाने लगे हैं चोरिस्तान डेजर्ट रैली बावलपुर 2020। आइए जी चलते हैं, तैयार रहिए। अच्छा जी, अब हम जी तैयार हो चुके हैं, हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अभी मेरा वेट हो रहा है और अभी मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं जा के इनके साथ रहा हूँ। ये एक बावलपुर की टूरिज्म कंपनी है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान और आज मेरे साथ मौजूद है ताहिर भाई। जी ताहिर भाई, बताएं अपनी कंपनी के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप कहाँ कहाँ पर जा चुके हैं और क्या क्या फैसिलिटी। और हमारा जो ऑफिस बेस है वो इस्लामाबाद में और बावलपुर में है और इस वक्त हमें कोई तीसरा साल स्टार्ट होने वाला है। हम नॉर्थन इंडियाज़ के भी टूर्स करते हैं और इस वक्त जो हमारा मेन गोल है वो इस चोलिस्तान को एक डेजर्ट सफारी देना, लाइक एक अच्छी ऑफिशियल जो डेजर्ट सफारी होती है ना, उसके लिए मुझे 2 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। पिछला स्टेप छोटा था, ये वाला स्टेप उससे बड़ा है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक प्रॉपर डेजर्ट सफारी के साथ मैं आऊँगा और इंशाल्लाह छा जाएंगे। और हम अपने चोलिस्तान की डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान की और ओवरऑल जो टूरिज्म है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई जी। अच्छा, इनके पेज का लिंक मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सबने इनका पेज भी लाइक करना है और शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू। अच्छा जी, आज आप लोगों को बहुत इंटरटेनमेंट मिलने वाली है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज मेरे ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मिलती रहे। अच्छा जी, अभी हमें थोड़ी सी देर है तो हमारे नाश्ता नहीं किया हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि नाश्ता कर लें। अभी एक कपल है वो थोड़ा सा लेट है, दाल भाई निकाल किया, वो कहते हैं कि बस 10-20 मिनट तक आ जाते हैं, तो 10-20 मिनट तक जब तक वो नहीं आता तो मैं सोच रहा हूँ मैं नाश्ता नहीं किया तो मैं नाश्ता कर लूँ। और मेरे साथ है काशिफ भाई, काशिफ भाई भी यूट्यूबर है। अच्छा जी, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं और मेरे साथ काशिफ भाई का यूट्यूबर है। हेलो गाइस, मैं नाश्ते के वाले से बोला। हाँ, ये बाइक जो है ना बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है, मैंने इन्हें कहा था कि मैं पावर बैंक से थोड़ी चार्ज कर देता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा जी नाश्ता करना है तो हम आगे जा रहे हैं, ज़रा नाश्ता करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर निकलेंगे। इंसान अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं जी, तो ताकि हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकें। आइए जी, अभी हम फ्री गेट पर पहुँच चुके हैं। आपकी बात कर रही है बहावलपुर का फ्री गेट है। आइए जी, अब हम आगे चलते हैं नाश्ते के लिए जा रहे हैं। आते थे आते थे, अब हम ये अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या कुछ खाने को मिलता है। ये काशिफ भाई क्या खाएं फिर? क्या खाना है आपको? हलवा पूड़ी खानी है या ये ले लेते हैं? हलवा पूड़ी खानी है, ये हलवा पूड़ी ले लेते हैं। आइए जी, हलवा पूड़ी। अच्छा जी, ये आज हलवा पूड़ी वाले भाई, और अगर कोई बावलपुर में आए तो फ्रीज गेट में यहाँ से हलवा पूड़ी लाजमी टेस्ट की थी, ये इनकी बड़ी मज़े की लग रही है। बैठने की जगह नहीं है? नहीं, आप खाएंगे पूड़ी? हाँ जी 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 बिल्कुल, आप उधर बैठे मैं भेज दूँगा। जी अभी हम बस निकलने लगे हैं, देख रहे हैं हमारी प्यार है और काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कोई नहीं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ये सब चलता है। अभी वो हम बस निकलने लगे हैं, ये हमारी बहन है। Because you're back,
Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, रास्ते में मिट्टी बहुत थी और कांटे भी बहुत ज्यादा थे। किन्ने पैसे ने? किन्ने पैसे? हाँ चौके पैसे नहीं दे। उन्हें? हाँ। पंजाब पे किन्ने करते? पंजाब रुपए। चक्कर ना छोटा चला मेरे पे। क्या ना चक्कर कितने में दे? फोर्ट कितने दे? हैं? फोर्ट कितने दे? लाख दे। दो लाख दे? दो लाख तेरा लाख होने। सही सही। इनको हाथ लाग इन्हों मरे ना तो कह नहीं। पता चले मेरे हाथ लाग। हाथ लाग बजे हाथ लाग। हाथ लाग। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह दरवाजा बंद है पीछे से शायद आप लोग ये बैकग्राउंड पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को अंदर ही जाने दे रहे हैं लाइन लगी हुई है।
मे भी शाम तक या रात तक अंदर जाने दें फिर इंशाल्लाह अंदर से जाके भी देखेंगे। नाम है आपका फरियाद खान सर, हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि किला टावर की क्या हिस्ट्री है। ये इसकी किला टावर की जो हिस्ट्री है, ये नवाब साहब जो अभी हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान वाले ना, ये बरसगीर पाक से भी इनके पार्टीशन से पहले की है। ये किसी राजा महाराजा सिख ने बनाया था ये किला, और यहाँ पे पूरा शहर आबाद था, लेकिन अब तो यहाँ पे शहर या ज़्यादातर लोग नहीं है, सिर्फ इवेंट पे ही आते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे शहर आबाद था जब पाकिस्तान नहीं बरसगीर पाक पार्टीशन नहीं हुआ था, तो अब ये उसके बाद जब पार्टीशन हुआ ये सिख के बाद जब मुसलमानों ने इसको फतह किया इलाके को रियासत बहावलपुर को, तो उसके बाद मोहम्मद सादिक वाले इनके साथ 8 पुश्तों से यहाँ पे काबिज रहे। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर अब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और मलकियत पाकिस्तान की है अभी। ये सर इसका मकसद क्या था बनाने का है? ये जी पहले जो अपना उस तरफ जो है इंडिया की तरफ राजस्थान और ये इकट्ठा इनके रियासत थी ना, तो ये इस पे पहले सिख काबिज था, सिख साबाज है इस रियासत का जो बादशाह था। सही सही, वो सिख था, तो उसके बाद फिर मुसलमान काबिज हुए इस रियासत पे, तो नवाब सादिक मोहम्मद खान वाले उनकी 8 पुश्तों ने यहाँ पे रियासत के बादशाह रहे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया, तो उसके साथ इस रियासत बहावलपुर का इलाका हो गया, ये मलकियत सब पाकिस्तान की, तब उसके बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा ही है। जी ठीक है सर, यहाँ पे हमें देखने को खंडर मिला, तो यहाँ पे अभी तक कितना काम हो चुका है, इसे हम एज ए टूरिज्म के तौर पे बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे पैसा लगाए और अच्छी अर्निंग इसकी अच्छी आउटपुट ले, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जब से ये डेजर्ट रैली शुरू हुई है ना, जी जी, तो इसके बाद ये थोड़ा सा काम आप देख रहे होंगे, कमर ऊपर बना है इस फोर्ट के, अपना ड्रावर फोर्ट के ऊपर काम शुरू हो गया है ना, अब इंटरेस्ट गवर्नमेंट भी लेना शुरू कर दी है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है कर रहे हैं अब गवर्नमेंट वालों ने, अब देखें रोड भी डबल बना हुआ है। जी जी, और इस में ना जैसे हमारे यहाँ पे आने में दुश्वारी नहीं, पहले तो ये रोड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे ना, क्योंकि अच्छा, पहले यहाँ पे अब ये जैसे ही डिजिट रैली शुरू की है अच्छा, उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट रोडों का, रोड भी बने हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, किले का भी काम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे ये अब कुछ ये गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी यहाँ पे। सही है, ठीक है, मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, जैसे आप ताने के रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ मतलब कि बहुत सारी लोग भी मौजूद हैं, लोग यहाँ पे आबाद हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह इसको एक अच्छा सोशल अर्निंग भी बनाएंगे और इसको एज अ टूरिज्म को तो क्या अब तो बनाएंगे क्या आप बन रहे हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगी। अब देख लेंगे रिहाइश के लिए अच्छे इंतजाम हो गए, होटलिंग वगैरह भी हो रही है, रिहाइश के लिए कमरे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो खुद से भी आना चाहें लोग यहाँ पे कमरे लेके कर सकते हैं ना, रिहाइश कर सकते हैं और सारा कुछ। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, और हमारी जो कंपनी है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के नाम से, भाई ताहिर अब्बास हैं वो इसको जो है ना डील करते हैं, और वो आप उनसे भी मज़ीद यहाँ आने के लिए या कागान नरान पहाड़ी इलाके जाने के लिए आप घूमने फिरने के लिए उनसे भी आप सर, मैं ना पहले अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ कि एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के नाम से एक टूरिज्म कंपनी है, तो उनके साथ ही मैं आया हूँ, तो आप लोग जब बहावलपुर में आए तो यहाँ पे आके आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी, आप लोग ताहर भाई से रब्ता कर लें या इन भाई से
रब्ता कर लें तो ये आप लोगों को मतलब कि हर चीज़ की फैसिलिटी देंगे, ट्रांसपोर्ट की, नाइट स्टे की, फूड की, हर तरह की आपको फैसिलिटी देंगे। तो यहाँ पे आपको मतलब कि इतनी दुश्वारी पेश नहीं आएगी, परेशानी। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मज़ीद मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके फेसबुक पेज का लिंक नीचे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके इनका पेज भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे इनके जो उनसे टूर हो चुके हैं, जो उनसे ट्रिप इन्होंने अरेंज कर ली है, तो वहाँ पे जाके आप इनकी फोटोज वगैरह देख सकते हैं। तो इनका पेज लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, गेट बंद है तो इधर जाने की इजाज़त नहीं है, तो बस दुआ करें कि इसका गेट ओपन हो जाए। इसका गेट ओपन हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह किला किताबों को अंदर जाके भी देखेंगे ताकि अंदर क्या शोर का हाल है। अभी तक शदीद का रश लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखेंगे मेरे बैग में भी रश थोड़ा सा कम हो तो फिर हम इंशाल्लाह अंदर जाके भी देखेंगे इसको, अंदर से भी विजिट करेंगे किला किताबों को। ये मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए है जो जैसे दूर दराज के एरिया से हैं तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा व्लॉग साबित होगा। यहाँ पे उनको हर चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे तकरीबन अलमोस्ट जो भी चीज़ें मैं हर चीज़ का विजिट करवाऊँगा और यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को मिलेगी। गाइडर भाई मौजूद है सर, इस मस्जिद के बारे में जरा बताइएगा। ये सादिक मस्जिद के नाम से है, जैसे ये फोर्ट तो पहले का है, ये बाद में नवाब सादिक साहब पहले तो फोर्ट ये जो किला बनवाया था ये तो सिख ने बनवाया था, मतलब मुसलमान नहीं थे। जब ये नवाब सादिक इन्होंने कब्जा किया इस रियासत पे, फिर ये सादिक मस्जिद के नाम से ये सादिक मस्जिद आई। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, सफेद पत्थर से बनी हुई है। इसके नीचे अंदर चल के मस्जिद इसको रॉयल मस्जिद भी कहते हैं ना, बंद कर दिए है वो। क्यों? बस ये
काफी लोग इसमें जाके देखते थे शरारत ट्राई की, पार्टी अलग नहीं है, ये किले के अंदर से वो था उनका रास्ता ना, क्योंकि इनकी रियासत जो थी वो हिंदू महाराजा की वो राजस्थान तक फैली हुई थी ना। ये बाद में जब मुसलमान इस पे नवाब सादिक मोहम्मद खान और ये नवाब साहब इन पे काबिज हुए थे, तो तब फिर इन्होंने अपने काबिज में अपनी मलकियत, फिर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की मलकियत है। तो जो सुरंग वगैरह थी वो रास्ते नीचे से इंडिया की तरफ जाते थे, पहले बरेसिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे। तो अब ये बंद कर दिए गए हैं सारे, अभी नीचे से खुद ही बंद हो गए मट्टी वगैरह। अच्छा। जैसे ये अब फोर्ट में भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि वहाँ पे अब वो हालत नहीं है ना रिहायश वाली, या बस अब तो ये हाँ पता नहीं कहते थे हैं बड़ी थी या छोटी थी, अब देखी नहीं है, लेकिन ये सुनना यही है कि नीचे रास्ते होते थे, नीचे सुरंगें थी। और ये भी सुना कि यहाँ पे मतलब के सोना वगैरह था वो काफ़ी अर्से पहले लोगों ने, मतलब जो जब ये बना था नवाब सब वाले काबिज हुए थे तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जहाँ ये जहाँ पे भी मतलब रियासत के खजाने में चला गया था, बिल्कुल उनकी मलकियत में चला गया था, उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। अब ये पाकिस्तान की मलकियत है, ये है जो सरिंग जिनकी हिस्ट्री वो बता रहे थे भाई, ये सरिंग है जो अब बंद हो चुकी है, इसकी हिस्ट्री अभी आपने सुन ली होगी। तो आइए अब मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा देखते हैं। जामे मस्जिद सादिक जो उनसे नवाब सादिक ने करवाई थी, तो अब हम अंदर जा रहे हैं, शूज़ वगैरह उतार लें, शूज़ उतार के अब हम अंदर आ चुके हैं। जी हाँ ठीक है, अब हमने शूज़ रख लिए हैं, अब हम मस्जिद को देखते हैं। बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, आप लोग भी आए तो जामे मस्जिद शादी को लाजमी विजिट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत आरइश में चलते हैं कि इसमें देखते हैं कि क्या चीज है। और ये हमारी टीम के कुछ साथी मौजूद हैं,
से भी कुछ बातचीत करते हैं। कज़न आते हैं, आपके कज़न रहते हैं, आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदपुर से। अच्छा, ये यहाँ के लोकल नहीं है, इनके कज़न यहाँ पे रहते हैं। आप अहमदपुर से आए? जी, अहमदपुर से। तो क्या बोलना चाहोगे आप? अरे बजा दें इधर 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 क्या के साथ आया ना? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बुला लें, कज़न का दीदार करवाओ। शाहरुख खान आ जाओ, आ जाओ आ जाओ शाहरुख। क्या बात है, कहाँ से आए हैं? हम अहमदपुर से आए हैं, ये मेरा कज़न है। सही सही। हम घूमने फिरने आए हैं, मस्जिद देखने आए हैं और रैली भी देखने आए हैं। सही, कज़न के साथ चले देखने, कल आखिरी फाइनल होगा इसलिए हम आए हैं, इसलिए क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा मेरा नाम है। आपके कजन का क्या नाम है? मोहम्मद माविया। सही सही। ये मेरे मामू के बेटे। यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है? आपने आप कैसे जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साहिवाल से हूँ। ये बताएं कि यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। क्या सोच के आए थे कि आप यहाँ पे आके क्या देखेंगे, क्या विजिट करेंगे? यहीं पे आके रैली देखेंगे बस। जीप रैली का सोच के आए थे? यहीं पे आके मस्जिद देख ली, अल्लाह तआला का घर। यानी आपको पता नहीं था कि यहाँ पे मस्जिद और दीवारें फोर्ट भी है, आप रैली के कंसेप्ट से आए थे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आके आपको पता चला मस्जिद भी है और ये चीजें भी है, और हम सोएंगे भी मस्जिद में। क्या बात है, छा गए छा गए, मतलब लंगर शंगर यही है, लंगर शंगर इस मस्जिद में। अच्छा सर, ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच, आपका कीमती टाइम हमने लिया। थैंक यू थैंक यू। और आज हमारे साथ कौन मौजूद है जी? सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, आसिम बाजवा साहब। देखिए मैंने आप इधर और एक और भाई हमारे साथ मौजूद है सर, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब कहाँ से हैं सर आप? अहमदपुर से। अहमदपुर से, चतरस्ती चौक से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम रैली देखने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, जीप रैली के आपको कैसे पता है कि जीप रैली भी होती है? हम इधर आप जगह अक्सर आते जाते हैं, इसके ऊपर अच्छा। हमारा भट्टा है, ईटा लेकर भी आते हैं, ईटा ये सोलंगा भी लग रहे हैं, इधर ईटा भी फेंकते हैं। ईटक गिरो आप सरदार है सदाम भाई, हम हमारा जनरल दोस्त है, हम जगह आते जाते रहने हैं। उन्होंने आख्या जो बेचुसे रैली के आए करो, हमको जरना उन्होंने दावत दी है, हम जना उनके तरफ से आए हैं, इसको मिले हुए हैं। आप रैली देख रहे हैं, आप मस्जिद भी खेल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब फूर्ती है, बहुत जना अच्छा। सही गुड, अल्लाह ताला आपका सफर आसान फरमाए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए सर, शेव इफ्तिखार चैनल, क्या नाम है आपका? जवार हाशमी, भावलपुर से। सर यहाँ पे आके बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुल्क के तूलवाज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे जवान छोटे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान का दूर दराज का इलाका है, बहुत दूर दराज का बेतला इलाका, लेकिन खुशकिस्मती यहाँ ये है कि बहुत प्यारे मजा आ रहा है, सब छोटे बड़े बच्चों सबको मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन आमीन। ये सर बताइएगा कि जीप रैली को मकबूलियत क्यों मिली? लोगों का शौक है माशाल्लाह, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, इस वजह से लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, सही चले, थैंक यू सो मच आपका। मोदी के लिए पैगाम ये है जी जी, कि तूने मुसलमान औरतों से मुसलमान तलबा से पंगा लिया, अब तेरा नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, मोदी थोड़ा हया कर। थैंक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कौन हमारे साथ मौजूद है? हमारे बहुत सारे भाई मौजूद है, सर आना चाहेंगे? यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आए हुए हैं, तो यहाँ से हमने कुछ लोगों से मुलाकात की है, तो मजीद हम देखते हैं कि क्या सीन है। तो
ये एक स्टोन है जो इतना हैवी है कि इसे उठा नहीं सकते। ये सर नीचे से फिक्स तो नहीं है? नहीं नहीं फिक्स नहीं, नीचे से फिक्स नहीं है, लेकिन ये इतना हैवी है कि कोई इसको उठा नहीं सकता। ये देखे हिला जरूर सकते हैं। जी है कोई बंदा जो इसको उठा सके? अल्लाह अल्लाह अकबर, ग्रेट। ये बहुत हैवी स्टोन है जिसको कोई भी उठा नहीं सका। उसका कोई नाम वगैरह है? जी है कोई अल्लाह का बंदा जो इसको उठाए? चले जी, ये एक शेर नौजवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पूरा जोर लगाते हुए। मतलब ये कोई नहीं उठा सकता भी। जी सर हिम्मत करें जरा। क्या बात क्या बात, कमाल है। जोर लगाए, उठाए उठाए जरा इसको, उठाए जरा। ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, कमाल है, ग्रेट। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। कहाँ से हैं? अहमदपुर से। अहमदपुर से यहाँ पे क्या करने आए हैं? इधर घूमने आए हैं। घूमने फिरने आए? जीप रैली पे हैं जी। सही, क्या सोच के आए थे? सिर्फ जीप रैली का सोच के आए थे या कोई और प्लान भी है? ऐसे हम अहमदपुर के नवाब हैं। क्या बात है क्या बात है, चले थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई है और डिस्कशन भी हो गई है, अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है, जामे मस्जिद सादिक। Oh,
जाते हैं रोनी गेट है जहाँ से बाहर जाते हैं, इंटरेस्ट भी है और एक्सिट भी है। अभी हम वापस जा रहे हैं तो काफ़ी थक भी गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि हम नाइट का जो उनसे व्लॉग है वो अलग से बनाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपको पता है यहाँ पे यहाँ पे आए थे 2022 की जीप रैली पे और शाम होने वाली है, जो है ना हमारा भी एंड हो गया और टाइम का भी एंड हो गया, तो हम सुबह अपने कोटी से लेके जो है ना ये दीवार फोर्ड पे और रॉयल मास्क्यू पे, जिसे साजिद मास्क्यू भी कहते हैं, नवाब साजिद नवाब साहब के नाम से है, तो ये इसका ब्लॉग हमने बनाया और जो है ना किया सारा ट्रैवल थी और काफ़ी हमने सफ़र भी किया क्योंकि हम लाहौर से आए भाई, साहिवाल से आए, तो सफ़र में भी थे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे पे ये चले गए ट्रैक पे, तो इसी वजह से हम बहुत थक चुके हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग आपको ये क्लोज कर रहे हैं हम अपना ब्लॉग, और हम नाइट पे फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, 2-3 घंटे का रेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम डिनर के बाद नाइट पे हम आपको सूफीज पीपल्स जो हैं यहाँ पे चोलिस्तान के अंदर लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनों को सेलिब्रेट करते हैं अपनी लाइफ को और एवरीथिंग को, जो उनका कल्चर क्या है वो उसको आपको व्लॉग में दिखाएंगे। बिल्कुल आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें शुएब भाई का, ताकि जो है ना आपको आने वाली हर अपडेट से जो है ना आगाज़ किया जाए और उसके बाद जो है ना कि आपको रात का व्लॉग भी जो है ना इजीली आपको मिल जाए, तो थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हम अभी इसको क्लोज कर रहे हैं, तो जो सा नाइट का व्लॉग होगा वो अलग से हम शूट करेंगे, और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मज़ीद मिलने वाली है ताकि आप तक आने वाली हर अपडेट्स आप तक पहुँचें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।